We at Vikas Foundation for Social Change and Economic Reforms are committed for our country's development. Accordingly, we have organized a press conference today, 2023 and 22. Before starting the press conference, my colleague, Mr. Rajinder Aare, will give you a brief introduction of all the members sitting on the stage. Please continue. आप सभी को मेरा नमस्ते. मैं राजेंद्र आर्य करनाल हरियाणा से हूँ और किसान व ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता हूँ और दिल्ली किसान आंदोलन में मैं शामिल रहा हूँ. और जब भी अभी जो आप से बात कर रहे थे उनका नाम है सम्राट खोसला जी, पंजाब से हैं, एक्स डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ डिफेंस एनालिस्ट हैं और युवा विकास के लिए कार्यरत हैं. उन्हीं के साथ लेफ्ट से दूसरे नंबर पर बैठे गिरधारी लाल गिरधर जी, एक्स बैंक ऑफिसर हैं, बजट एनालिस्ट हैं और कनाडा से हैं, अभी कनाडा में ही रहते हैं. और उनके साथ ही बैठे ध्रुव अग्रवाल जी, दिल्ली से हैं, सीए हैं, व्यापारी नेता हैं और जीएसटी पर काम करते हैं. उनके साथ ही बैठे कर्नल सुधीर चौधरी जी, यूपी से हैं, जनरल सेक्रेटरी पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा. और सबसे राइट में बैठे तरुण चौधरी जी, उत्तर प्रदेश से हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं. और हेमेंद्र कुमार कालदेव जी आप सभी के बीच में बैठे हैं जो हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं. तो हम अभी जनता का बजट 2023-24 का जो प्रपोजल सुझाव देने के लिए आप लोगों के सभी मीडिया को अभी शुरू करूंगा. साथ में मेरे साथी स्लाइड भी चलाएंगे. जैसा सबसे पहला हमारा सुझाव है, पेट्रो प्रोडक्ट्स उसी अबॉलिश एक्साइज की थी. पेट्रोल प्रोडक्ट्स के एक्साइज ड्यूटी फ्यूल टैक्स चार्जेस कम कर दिए जाएँ तो पेट्रोल की कीमतें जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स की उसकी कीमतें 30% कम हो सकती. हर परिवार का खर्चे का बजट 10% से लेके 15% कम हो सकता है. दूसरा सुझाव है मिडिल क्लासेस को राहत देने के लिए. जितने भी टैक्सेबल इनकम के अंदर 12 लाख की इनकम के अंदर लोग हैं जो भी, उनका सबका टैक्स खत्म माफ किया जाए. उससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी. परचेजिंग पावर बढ़ने से मार्केट में ग्रोथ आएगी, डिमांड आएगी, कंजम्पशन आएगी और ग्रोथ होगी. तीसरा है उसके बाद सभी वस्तुओं की कीमतें 3% से 13% कम हो सकती हैं अगर जीएसटी के केवल 3 स्लैब बना दिया जाए, सिंप्लीफाई कर दिया जाए. 3%, 5% वाले, 10% और 15% किए जाने चाहिए. व्यापारी वर्ग को राहत देने के लिए जैसे चल रहा है जीएसटी की रैशनलाइजेशन हो जाए, सिंप्लीफिकेशन हो जाए, जैसे जीएसटी का कंप्लायंस है वो सिस्टम इम्प्रूव हो जाए. उसके बाद जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सबसे सबको पता है कितना बड़ा एजुकेशन जहाँ पर हुआ था, किसानों की समस्या है एमएसपी की. वो सरकार कहती है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी. किसान कह रहा है हमें एमएसपी मिलती नहीं. तो उसका समाधान देने के लिए हमारा सुझाव है एफसीआई जैसी या कोई और एजेंसी, उसको साल का 1,20,000 करोड़ रुपया दिया जाए मार्जिन मनी के तौर पे. वो बैंक से लोन ले, जैसे एफसीआई परचेज करती है जितनी भी 23 फसलें हैं उनकी जो गारंटी डिक्लेयर्ड एमएसपी है वो उनको परचेज की जाए. परचेज करने के बाद स्टोर करनी है, उसको स्टोर करके उसको बाद उसका सेल करना है या सप्लाई करना है. जैसे पहले जाता है राइस मिलर लेते हैं, फ्लोर मिल वाले लेते हैं, दाल मिलों वाले लेते हैं, एग्री प्रोसेसिंग यूनिट लेते हैं. और अब तो सरकार की एक पॉलिसी है, प्रमोशन है फॉर एक्सपोर्ट्स, ये एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं. एक्सपोर्ट करने के लिए उसके लिए हमारा सुझाव है एक कम से कम इससे सभी किसानों को
एमएसपी मिले। एमएसपी के ज़्यादा कोई चीज़ बिकती है जैसे सरकार की पॉलिसी है तो वो मिलेगी, लेकिन जिसकी नहीं बिक रही टोटल जो साल में दो फसलों का अगर मिला लें, सभी एग्री एक्सपर्ट मानते हैं, हमने बहुत से लोगों को उनको बुलाया भी था, वो मानते हैं टोटल जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इट्स वर्थ 11 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जिसकी किसानों को एमएसपी नहीं मिलती। वो भी दो फसलों में आता है, रबी के टाइम, रबी और खरीफ की दो फसलें होती हैं, एक फसल में 5 लाख करोड़ का होगा मैक्सिमम, 6 लाख करोड़ का होगा। अगर गवर्नमेंट के बजट से, गवर्नमेंट एलोकेशन से 1,20,000 करोड़ रुपये मिल जाए, बैंक लोन देते हैं जैसे एफ से एफ लोन लेती है, जैसे ये भी ले रही है एजेंसी, लेकिन इसको सारी चीज़ें परचेज करने की, परचेज करने के बाद वो कहीं समुद्र में तो गिरानी नहीं, बिकनी है कोई कहीं, उसको वो साढ़े उसको जलाया नहीं जाता, अब तक कंज्यूम होती है इस देश में। अभी भी जो आंकड़े बता रहे हैं कि अभी भी जो 20 करोड़ आबादी हमारे देश की है उसको जितना उनको मिनिमम खाने के लिए चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, एक तरफ सरप्लस बता रहे हैं। सो दैट इज आवर प्रपोजल कि उससे ये क्या होगा, सभी किसानों को उनकी एमएसपी पर उनकी फसल की खरीदी की जाए। उसके बाद नेक्स्ट है आयात कम करने के लिए। देखो आज हम दालें, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स बाहर से मंगवाते हैं, तो उसके लिए हमारी हमारा एक सुझाव है उसके किसानों को भी घाटे की खेती नहीं करनी पड़ेगी, और साथ में सरकार को भी इंपोर्ट पर जो खर्च करना पड़ता है फॉरन एक्सचेंज बचानी है, फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप करने के साथ हम पर्यावरण एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसको बचा सकते हैं। और किसान को क्या लाभ होगा, 5,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से अगर हम एक साल के लिए सिर्फ 8 करोड़ एकड़ के लिए एलोकेशन कर दें, 40,000 करोड़ रुपये बजट में एलोकेट हो जाए, उसमें क्या होगा, 8 करोड़ एकड़ में किसान को घाटा नहीं होगा, 8 करोड़ एकड़ की खेती में किसान को नुकसान नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसकी भरपाई पहले होगी, वो 10-10 साल से 8-8 साल से इसी आशा में रहते हैं कि हमें कब नौकरियाँ मिलेंगी, अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स नहीं है तो नौकरियाँ दी जा सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सकता है। इसके नेक्स्ट जो हमारा हमारी सोसाइटी में 3 सेगमेंट जिनको सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हम समझते हैं, जिनके जिनकी जीवन यापन पे असर होता है, उसमें सबसे ज़्यादा आता है सीनियर सिटीजन है। जो सीनियर सिटीजन है उसने देखो 40 साल काम I am 72 मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, क्या करते हैं, कोई एसेट क्रिएट करते हैं, कोई ना कोई चीज़ इस देश के लिए बनाते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। जिस इंसान ने 40-50 साल इस देश को दिए, निर्माण किया, कंट्रीब्यूट किया है, टैक्स भी दिया है, क्या उसको अगले 10 साल जो लास्ट उसके हैं 1500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1500 रुपये में उसको सम्मान मिलता है, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। इस बात से तो हम सब सहमत हैं, 1500 रुपये बहुत, हम ये नहीं कहते जो पहले मिल रहा है उसको ख़त्म किया जाए। दिस इज़ ऑल एडिशनल टू व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ किसी से कुछ नहीं लेना, सब ये जो हम प्रपोजल दे रहे हैं ये सब एडिशनल है। ऐसे ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हमारे मेरी तो हमने बहुत देर से आप इसमें चर्चा भी किया है, प्रेगनेंसी डिलीवरी से पहले कम से कम 8 महीने उसको 1500 रुपये महीना मिले, अच्छी खुराक होगी, बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जिसको मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं वो कम हो जाएगा, इन्फेंट का डेथ रेट जो है वो भी कम हो जाएगा, IMR इसी तरह under 5 MR होता है वो भी कम हो जाएगा अगर खुराक अच्छी है। उसके बाद डिलीवरी के बाद माँ ने बच्चे को दूध पिलाएं उसको अच्छी खुराक मिलेगी अगर 1500 रुपये महीना जाएगा। और ये सुझाव आज से नहीं, ये सुझाव मैं पिछले मेरे पास सब ईमेल्स हैं, मैं हर साल बजट के पहले ऐसे सुझाव देता था, हो सकता 2 क्वार्टर पहले नोटबंदी से 2 क्वार्टर पहले इकोनॉमिक स्लोडाउन शुरू हो गया था, तब से लेकर आज तक 90% लोगों की आमदनी कम हो गई है या कम हो रही है। उसके बाद GST आया, उसके बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन आया, लोगों के कारोबार बंद हुए, कुछ की नौकरियां चली गई, कुछ कोरोना के टाइम में इलाज के लिए परेशान हो गए, कुछ लोग के घरों के कुछ लोगों ने अपने घरों के आदमी खो दिए, अपने घर का मेंबर खो दिया, तो उसके कारण
हर फैमिली को नुकसान हुआ है, उसकी इनकम कम हो रही है। और व्यापारी वर्ग के लिए मैं स्पेशली खासकर इसके लिए भी कहूँगा, व्यापारी वर्ग को इसके अलावा भी एक मार पड़ रही है, ऑनलाइन शॉपिंग जो चल रही है, तो उसके कारण भी हर आदमी की इनकम कम हो रही है। उसकी को कंपनसेट होना, क्या उसकी भरपाई होनी चाहिए? उसकी भरपाई करने के लिए हमारे एक अगला सुझाव है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ से कोट करूँगा, यूबीआई का एक कंसेप्ट था छोटा सा, मध्य प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार को के हर मेंबर को, जो बच्चे थे बिलो 18 थे, उनको 150 रुपये महीना दिया गया 12 महीने के लिए, और जो एडल्ट थे उनको 300 रुपये महीना दिया गया। इसमें यूनिसेफ और सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन देवर इन्वॉल्व, उन्होंने सिर्फ 2 साल का सर्वे किया, 2 साल ये प्रोजेक्ट चलाया, उसके सर्वे उन डीएम के पास भी है, मध्य प्रदेश के 2 डीएम हैं, वो रिपोर्ट उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पास भी है, उस टाइम के गुजरात के मुख्यमंत्री जो हमारे आज प्रधानमंत्री हैं उनके पास भी सबमिट की गई थी, और नीति उस टाइम के प्लानिंग कमिश्नर के पास भी है, उसके 4 पहलू आए थे। 5 सिर्फ परिवार को 1000 से लेकर 1200 रुपये महीने मिलता था। पहलू क्या आए थे? 5, जिस घर में ये पैसा जा रहा है 150 जा रहा है 300 जा रहा है, उस घर में लोगों की हॉस्पिटल विजिट कम हो, उस घर के बच्चों की स्कूल में हाजिरी बढ़ गई, उस फैमिली ने किसी ने छोटा थोड़ा कर्जा भी उतार दिया, उस फैमिली के एक वहाँ एक स्टोरी बनी, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक महिला को सिलाई का काम आता था, जब के पैसे मिले उसने सिलाई मशीन पुरानी ली, खुद सिलाई मशीन से काम करना शुरू किया, साथ में कुछ लड़की को लड़कियाँ कुछ महिलाएं और जोड़ी, उसका रिजल्ट क्या हुआ, 600 महिलाओं को कारोबार मिली, कितना 5.5 करोड़ इन्वेस्टर का 60,000 करोड़ रुपये डूबा हुआ है, उनको नहीं मिल रहा है। अगर ये 5,000 मिलेगा तो उनको कंपनसेशन हो जाएगी। नारदा शारदा रोज वैली वाले हैं, वहाँ कितने करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ, पैसे फंसे हुए मिल नहीं रहे। सहारा ग्रुप के पैसे सेबी और कोर्ट के झगड़े में कितने 27,000 करोड़ रुपये 42,000 करोड़ रुपये उनके फंसे हुए, इतने लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर ये 5,000 रुपये मिलना शुरू हो जाए, राहत मिलेगी, कंपनसेशन होगी, क्षतिपूर्ति हो जाएगी। दूसरा है, किसी परिवार के 5,000 के बेनिफिट कितने मिलेंगे, मैं एक्सप्लेन बहुत कर सकता हूँ लेकिन मैं छोटा सा करता हूँ। परिवार के पास प्रायोरिटी होती है, मुझे क्या करना है, फ्री यू कैन थिंक ऑफ डूइंग थिंग्स क्लोजर टू योर हार्ट। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है तो आप अच्छा सोच सकते हो, अच्छा कर सकते हो, प्रोडक्टिव हो सकते हो। सो मैं इन साइड में एमपी राजकुमार सैनी जी, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और सांसद रहे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। द्वाजी हैं जो सक्सेना जी और पाटिल जी जो है ना, बड़े बड़े जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, इन सबका मैं स्वागत करता हूँ पत्रकारों के साथ साथ। जीएसटी का मैं फाउंडर रहा हूँ और जीएसटी आने से पहले ही मैंने जीएसटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए ये किताब मेरी राजनाथ सिंह ने 2,500 व्यापारियों के सामने रिलीज की। उसके बाद अगली किताब मेरी संतोष गंगवार जी ने रिलीज की, एक अर्जुन बेगवाल जी ने, और फाइनल किताब जेटली जी ने रिलीज की। लेकिन हमने 27 जून को 1 जुलाई से जीएसटी आया, जन जीएसटी हमने लागू करना चाहा था, और उसका पूरी किताब बना के जिस समय प्रधानमंत्री निकले थे पार्लियामेंट के लिए, हम निकले थे जंतर मंतर के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन आज हम उसी तरह का ये जनता का बजट, क्योंकि जब तक जीएसटी बढ़ती रहेगी, ये जो आर्थिक मंदी है, जब तक जनता के हाथ में पैसा नहीं होगा ये मंदी दूर नहीं हो सकती। तो बहुत अच्छा, हम लोगों ने ये पिछले 2 साल से लगातार पूरी रात रात भर, तो उससे क्या होगा कि जनता के पास 30-40% पैसा एक्स्ट्रा होगा और प्रोडक्ट किसानों के भी बढ़ेंगे। दूसरी चीज जो MSP है, पहले भी यहाँ कॉन्फ्रेंस कई बार कर चुके हैं हम लोग MSP के लिए, कि MSP जब तक नहीं देंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो जो सम्मान निधि दे रहे हैं वो बेसिकली किसानों की असम्मान है, और उसकी वजह से तो हमें सबसे MSP वाला है। GST के रेट जो बताया 5-10-15 ये होने चाहिए, GST की वजह से
कभी भी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि ये अभी कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, सर्विस टैक्स नाम की चीज नहीं थी, वो 1994 में अलग तरीके से लाई थी 4% से, आज सर्विस टैक्स 18% हो जा रहा है। उनकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, तो हमारा इस बजट में कल निर्मला सीतारमन जी को ये ज्ञापन दिया है कि जनता के हाथ में पैसा करने के लिए इनकम टैक्स की जो लिमिट जेटली जी जब दूसरी सरकार थी 5 लाख मांगते थे, आज उससे 3 गुनी महंगाई हो चुकी है, तो 15 लाख होनी चाहिए, 12 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट की जाए, एक ये मांग है, GST कम की जाए और 28% का स्लैब तो खत्म ही किया जाए, ये मांगे। तीसरी चीज जो MSME है और जो छोटे उद्योग हैं उनको जो सुविधाएं मिलती थी वो सब खत्म कर दी गई हैं और केवल कुछ 10 बड़े उद्योगपतियों के सहारे कर रहे हैं, उससे ये बड़ा देश है वो नहीं चल पाएगा। ये एक तो बहुत स्टडी करके इस विकास फाउंडेशन की स्थापना की गई है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है, ये पूरी टीम विकास फाउंडेशन की है और साफ करने वाले हैं गिरधर जी, लेकिन ये कनाडा रहते हैं तो ये स्पोक्समैन की तरह, इसी तरह की 8-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कनाडा के अंदर, USA के अंदर जितने NRAI हैं, हमारा करने का विचार है और ये विद इन बजट आने तक फरवरी से पहले ये कॉन्फ्रेंसेस यूरोप के हर देश में हो जाएंगी, इस तरह का हमारा प्रयास है। और यहाँ भी हम हर 21 राज्यों के बजट का भी अध्ययन किया है गिरधर जी ने और काफ़ी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जितने भी राज्यों के बजट आ रहे हैं चाहिए। और हमारे दो हाथ जो है करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, क्या इसको हम श्रम के आधारित श्रम को रोजगार देने के लिए कुछ नियम रखेंगे? और विकेंद्रीकरण सत्ता का, शिक्षा का, न्याय का और उत्पादन का, ये सब आप पंचायतों के लेवल तक या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक क्यों नहीं ले जा पा रहे, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए ताकि हम इस बजट के द्वारा गांधी जी के सपनों के सराह को पूरा कर सके। और गांधी जी का जो ताबीज 1948 में दिया गया था, टू गिव टेक डिसीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ लास्ट पर्सन दैट हैज नॉट बीन टेकन ड्यूरिंग द लास्ट 75 years, अब आजादी के अमृत महोत्सव पर उसकी तरफ हमें ध्यान देना। 30 लाख करोड़ आप जो कह रहे हैं कि इसमें खर्चा आएगा, तो 30 लाख करोड़ आप गवर्नमेंट से मांग रहे हैं या इसको रिवेन्यू जनरेट करेंगे? 30 लाख करोड़ का क्या मतलब? आपने जो मोस्टली दिखाया वो बड़ा मतलब एक तरह से अट्रैक्टिंग है कि टैक्स इनकम टैक्स कम कर दो, GST कम कर दो, और जितने मतलब हमारे एक्सपेंसेस जहाँ है और या जहाँ मतलब इस तरह से उनको रिड्यूस किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन उठता है तो पैसा आएगा कहाँ से, रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा? ज़्यादातर दिल्ली में भी ये डिमांड चली कि शराब की दुकानें बंद कर दी जाए, इट्स अ काइंड ऑफ अर्निंग ऑफ रेवेन्यू। वो हमें दुकानें भले ही जगह जगह खुल गई, उनकी गलती थी, लेकिन रेवेन्यू आएगा कैसे ये कोई नहीं बताता, दुकानें बंद कर दो ये तो सब कहते हैं, लेकिन रेवेन्यू कैसे गवर्नमेंट के पास आएगा? ये आपने बहुत सारी प्रपोजल मीडिया के सामने रखे हैं और रेवेन्यू जनरेट करने की बात तभी आपने उसमें कहीं सुझाई नहीं है। लेकिन अगर हकीकत में इस देश का, जैसे अभी एक भाई बोल रहा था कि जो हमारे दो हाथ हैं जब तक हम इनको काम नहीं देंगे, आप एक मेहमान को 2-3 दिन तक भी अपने घर पे नहीं रोक सकते अगर वो आपने बिना काम से रोक रखा है। दे सकते हैं किसी गर्भवती महिला को, किसी अनएम्प्लॉयड को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसान है। हमारे देश का संवैधानिक तौर पर सिस्टम जो काम करने वाला लोग है यहाँ पर, चाहे वो मजदूर है चाहे किसान है, यही लोग काम कर रहे हैं, यही लोग देश का जो ढांचा डेवलप कर रहे हैं या यूं कहेंगे कि राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माता भूखा है, काम करने वाला यहाँ पर भूखा है और प्लानिंग और सिस्टम को हाईजैक करके उसे कंट्रोल में पावर सेंट्रलाइज करके इस्तेमाल करने वाला चाहे जुडिशरी है, चाहे हमारा ब्यूरोक्रेट्स हैं और चाहे हमारे ऊपर बैठे हुए MPs MLAs हैं। यही सिस्टम हमें अगर इस देश में डिफरेंस, हम काम क्यों छोड़ गए, हमारा देश काम क्यों छोड़ गया, हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में डिफरेंस इतना बड़ा आ गया,
वो जो इतना बड़ा डिफरेंस है, वो हमारे देश के बच्चों को, जो हमारे क्वालिफाइड बच्चे थे, उन लोगों को का मनोबल डिग्रेड हो गया जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली। सरकारी नौकरी वाला 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख की सैलरी लेने के बाद हड़ताल पे बैठा है और उसी सैलरी में किसी प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी डिस्पेंसरी में, किसी और डिपार्टमेंटल स्टोर में हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं उससे चौथा हिस्सा 25% सैलरी पर और फिर खुश हैं। और जैसे कैसे हम अपने घर का रास्ता ठीक से बजट बना करके अपने घर को रन कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में जो मोटी सैलरी लेकर के इस देश का, चाहे ऊपर पार्लियामेंट में है, चाहे हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हमारे देश के जो है ना बड़े इंडस्ट्रियल घराने हैं, वो छोटी इंडस्ट्री को डेवलप होने नहीं देंगे। आज तो सिस्टम ही इस सरकार ने ऐसा बना दिया कि भाई अब FDI लाए तो डिपार्टमेंटल स्टोर आ गए। ऐसे ही अन्य कई और थे कि ऐसे इसको हम कैसे बैलेंस करें। हाँ, अभी तक सरकार फिस्कल डेफिसिट के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को सबको अगर ज्ञात होगा, जानकारी होगी, सरकार का रेवेन्यू हमेशा कम होता है जितना वो खर्चे के लिए एलोकेशन करता है। बजटरी एलोकेशन आर ऑलवेज हायर देन द रेवेन्यू सीट्स। तो साल में लास्ट में क्या होता है, जब बजट जिसने हम सारा लास्ट में अगले 31 मार्च तक पहुंचेंगे, क्या होगा फिर? इतना पैसा आया, इतना पैसा एलोकेट किया था, जो डेफिसिट है उसका कमी, वो कहां से पूरी करते? नोट छाप के, दो नहीं, मैं बताता हूँ, दो तरह के है, या तो कर्जा उठाएंगे या नोट छापेंगे। आप बिल्कुल ठीक है, मैं आई एग्री विद है, पर मैं एक बात और कहता हूँ इसके साथ, अगर कर्जा सरकार उठाती है उसको जो पैसा मिलता है वो 7% से लेके 9% से ज्यादा नहीं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड ले लो या सरकार पैसा उठाती, जो फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए सरकार पैसा लेती है उस पर इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट मैं आराम मैं उसका जिससे इनकम टैक्स कलेक्ट करना है, जिससे GST के एरियर लेना है, उससे क्यों ये नुकसान किसका हो रहा है? पब्लिक इज सफरिंग। तो हमारा उसके लिए सुझाव है कि सरकार अगर अपनी रिकवरी भी कर ले तो फिस्कल डेफिसिट की जरूरत भी कम पड़ेगी। बट जो हमने आज क्यों किया है, मैं आपको रीजन बताता हूँ। अभी आप कभी रेवड़ी की बात सुनते हो, कभी फ्री पीस की बात सुनते हो। अब कल्चर क्या है देश का, एवरीबॉडी वांट्स मनी इन द पॉकेट। पर हमने क्यों फोकस किया इसके ऊपर, क्योंकि पैसा आज तक जितना सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, आपने देखा होगा पिछले साल हमारे माननीय वित्त मंत्री जी और उनके साथ उनके जूनियर अनुराग ठाकुर जी 5 दिन लगातार आए थे, कोरोना के बाद आए थे लगातार, उन्होंने पैकेज दिया था 30 लाख करोड़ 32 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। उसमें पर्पस क्या था, बैंकों को बोल दिया आप लिमिट बढ़ा दो। अब जैसे नोटबंदी आई, GST आई, उसके बाद क्या हुआ, जितना MSME था, जितना भी व्यापारी था, व्यवसायी था, उसके ऊपर 40% कर्जा भर गया। उसको अपने बिजनेस को बचाना था, अपना कारोबार बंद तो नहीं करना, कर्जा उठा के भी चलाया लोगों ने, इन्फ्लेशन हो गया। तो उसको क्या हुआ, पर मेरा पर्पस कहने का क्या है, हमें तो जब रिलीफ मांगा आम सरकार ने, आम जनता ने, हमें तो लोन ऑफर किया जाता है, लेकिन देयर आर सम फ्यू स्कीम्स जिसमें PLI के माध्यम से इंसेंटिव दिया जाता है, रिलीफ दिया जाता है, जबकि नुकसान किसका हुआ ज्यादा, 90-95% लोगों का। उनको कभी कैश रिलीफ की ऑफर आई है? उनको 5 ठीक है फ्री राशन मिल रहा है, वी अप्रिशिएट, उस टाइम उसकी जरूरत थी, लेकिन क्या अकेले राशन से घर चलते चलेगा जिसकी नौकरी जा चुकी है उसके लिए? हाँ, जो आप बात कह रहे हैं उसके लिए FRPM एक्ट है, वो FRPM एक्ट जो पार्लियामेंट का एक्ट है, पास हुआ है, जो हमारे सुझाव है, अगर सरकार सीरियसली इसको स्टडी करे। आप बताइए किसी को ऑब्जेक्शन है? आप भी बैठे में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है कि पैसा कहाँ से है। ऑब्जेक्शन तो वही, अगर आपका आपके पास पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें कम हो जाए आपको रिलीफ मिलेगा। इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड फोर्सिबली,
अगर लोगों के पास अगर मार्केट में डिमांड होगी, मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर यहाँ बैठे, इनके पास डिमांड है, ये अपने आप अपना लोन अरेंज करेंगे, जब डिमांड ही नहीं है लोन क्यों लेंगे, एक्स्ट्रा लोन क्यों लेंगे। सर डिमांड नहीं है, सप्लाई सिस्टम सप्लाई चेन हैज बीन एड्रेस्ड, डिमांड हैज नॉट बीन रेज्ड। अगर डिमांड रेज होगी क्या होगा, कंजम्पशन होगी, प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ के मिलेगा और लोगों के लिए नौकरियां और बिजनेस भी पैदा, डिमांड होगी। डिमांड तो बढ़ नहीं रही, सप्लाई साइड इज बीइंग एड्रेस्ड, वो उसको एड्रेस करती है लेकिन डिमांड नहीं है। अगर डिमांड आएगी, डिमांड आने से कितना आप सोच सकते हो, हम एक इतनी बड़ी आबादी है, सुबह से लेकर शाम तक हमारी कंजम्पशन कितनी है, 8-8 साल से रोजगार नहीं मिला। अगर एक्सपेंशन हो जाए इकोनॉमी की क्या होगा, उससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, नौकरियां मिलेगी। जब जो आदमी यार घर पे खाली बैठा है, उस आदमी को अगर 15,000 की नौकरी मिल जाए तो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा मार्केट में आएगा, उसमें रेवेन्यू और जनरेट होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगी और पब्लिक के लिए सर्विस इंप्रूव होगी। आवर कैलकुलेशन इज, अगर सरकार लोगों की जेब में पैसा डालती है, इट इज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। मैं इसको बिजनेस की बात इसलिए जानबूझकर कह रहा हूँ, अगर सरकार को कर्जा सबसे सस्ता मिलता है और पहले दिन जो सरकार पैसा हमारी जेब में डालती है, पहले दिन हम 12% देते हैं उस पर, और 12% वाला जो जिससे हम जिसे जिसको हमने 12% दिया, उसके आगे कोई 3% वाला बैठा, कोई 2% वाला बैठा, कोई कितने पे बैठा। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ह्यूज इन दिस कंट्री, तो एक पार्ट, इसलिए हम चाहते हैं सरकार लोन लेके भी कर सकती है। अगर सभी देशवासियों का भला है, नौकरियां पैदा हो रही हैं, जीडीपी बढ़ रही है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, क्या सरकार को कर्जा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। नंबर दो, दूसरा पॉइंट, फिर भी मैं उसके अलावा दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। सरकार में कुछ एक बिजनेसमैन है, उसके पास रिसीवेबल होते हैं, मैं बैंकर हूँ इसलिए मैं आपको उस हिसाब से बताऊँ, किसी से आपने पैसे लेने होते हैं, किसी को आपको देने होते हैं, बैंक उसके अगेंस्ट लिमिट बनाते हैं जिससे आपके पैसे लेने हैं, बैंक वाले उसकी लिमिट बना सकते हैं, सिस्टम है। अब सरकार ने उन 21 लाख करोड़ का सरकार ने लेना है, तो सरकार को लोन नहीं मिलेगा, तो सिक्योर्ड लोन है, कोई भी ले लेगा, सरकार को तो वैसे ही मिलता है ना, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है वो लोन रिकवर किया जाए। मान लीजिए हमने 30 लाख करोड़ रुपया लोन ले लिया, 30 लाख करोड़ रुपए का कुछ तो रेवेन्यू के थ्रू हमने पेमेंट कर दिया, हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड कर गई, कुछ अगर वो किस्त बनेगी, क्या उस किस्त को ये पैसा रिकवर करने के बाद दिया जा सकता है। सबको पता है, सरकार को भी पता है, और 600 लाख करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी भी है, ये भी सबको पता है, और सरकार की नीति भी है कि हमें ब्लैक मनी को भी बाहर से भी लाना है, इंदर का ब्लैक मनी भी वाइट करना है, उसको भी कंट्रोल करना है। हमारे उसके लिए दो सुझाव है जिससे रेवेन्यू बहुत आएगा। 400 लाख करोड़ के अगर फाइनेंशियल ब्लैक मनी एसेट्स हैं, अगर उसमें से हमारे एक सुझाव है, वो हमने अलग से दिया क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए जानबूझ कर नहीं दिया, ये लोग हमें पता है प्रेस क्या चलता है मार्केट में, पॉलिटिशियन क्या करते हैं ये हम भी जानते हैं, आज ही दिया इसलिए हमारी तरफ से दिया। उसका अगर सरकार एक स्टेटमेंट एक एक्ट पास कर दे, जो लोग एक साल में उस फाइनेंशियल ब्लैक मनी एसेट को लीगल करना चाहते हैं, ये 50% होगा, उसके बाद ये जब्त किया जा सकता है, क्या रेवेन्यू आएगा, सोर्स है 400 लाख करोड़। तीसरा है रेवेन्यू अगर जनरेट करना है, आवर कंट्री हैज 1200 लाख करोड़ नेचुरल रिसोर्सेज, 1200 लाख करोड़ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स, स्पेक्ट्रम, घर के बर्तन बेच दे, मैं उसका बताता हूँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ, उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी आता है, उसके बाद ऑक्शनिंग भी होती है, मिनरल्स की ऑक्शन होती है, तो हमारा एक पर्पज है कि जो वो ऑक्शनिंग भी करते हैं, जहाँ उसको किराए पे दे दो, लीज भी होती है, गवर्नमेंट के एसेट लीज भी हो सकते हैं, क्या उसमें 1% रिटर्न आ सकती है 1200 लाख करोड़ में साल की, वो भी लेनी चाहिए। अगर 1200 लाख करोड़ की 1% रिटर्न हो, कितनी बनती, 12 लाख करोड़ रुपये बनती। अब बताइए हमारे, हमें क्या कहा, टोटल 30-32 लाख करोड़ में
एक्स्ट्रा, यही कारण। और उसके बाद भी एक चौथा सोर्स है जो सबके लिए है, अगर सारे देशवासियों का भला हो रहा है, जो हम सुझाव दे रहे हैं आपका भला हो रहा है, तो कितना अमाउंट बन गया जो हमने कितना कहा था। और उसके पहले भी मैंने एक पॉइंट आपके और रेज किया था, जो फर्स्ट प्रपोजल था जहां पर मैंने एक बार विराम दिया था, तो ये जो प्रपोजल है बजट के अंदर पूरी होती है। मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी फ्यूल टैक्स सरचार्जेस की बात मैंने करी, पिछले साल के वित्त मंत्री की स्टेटमेंट में आया था अभी हमारा टारगेट है 1,10,000 करोड़ रुपए हर महीने की कलेक्शन होनी चाहिए जीएसटी की। इस साल में अब तक सिर्फ एक महीने में 1,40,000 करोड़ रुपए आया, उसके बाद सारा ही उससे बढ़ के रहा है, ऑन एन एवरेज दैट इज 1,49,000 करोड़ एवरेज। तो हमारा जो जीएसटी फ्यूल टैक्स एक्साइज ड्यूटी सरचार्जेस लेवीज इंक्लूडिंग आउटराइट बाय द म्युनिसिपल बॉडीज वो टोटल मिला के महीने का 22,000 करोड़ से लेके 24,000 करोड़ बनता है, क्योंकि अब थोड़ी कीमतें डाउन है, इसलिए मैं मेरा पहले ये फिगर 28,000 करोड़। तो जो पैसा के हमने दिया है, बढ़ा हुआ रेट किसने दिया, हमने दिए, क्या सरकार को सरकार से हमें रिफंड मांगना चाहिए या हम कहें भी आगे से ना लो, क्या सरकार रिफंड देगी जो हमसे लिए, नहीं देगी तो हमारा सुझाव है भाई चलो आगे से लेना बंद कर दो, उसका बेनिफिट क्या होगा एक परिवार के जिसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि हम क्लियर हैं इस मामले में, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेगी, जीडीपी राइज करेगा और रेवेन्यू जनरेट होगा। जो हम 5 ट्रिलियन की बात करते हैं उसके लिए कम से कम 14% की जीडीपी चाहिए अगले 5 साल के लिए, क्या उसका उसका रेट है, हम तो कह रहे हैं हमारे अगर प्रपोजल सारे एक्सेप्ट कर लिए जाएं, कर्जा लेकर भी कर लिए जाएं, तो हमारे देश की इकोनॉमी भी राइज करेगी, अगर जीडीपी 12% हो जाती है, एक इकोनॉमिस्ट की मैं भाषा में किसी को बता किसे सुन रहा था वो कहता कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा हर साल नौकरियां और बिजनेस क्रिएट हो, ये तो एग्रीकेट बढ़िया काम कर रही है। मैं क्लेम नहीं करता पर मैं आपको 8-10 ईमेल मेरे पास अभी भी हैं, तो मैंने आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 10 साल लिखा, गर्भवती महिलाओं के लिए 8 साल लिखता रहा भी इनको मिलना चाहिए, फिर मैंने 10 करोड़ परिवार आइडेंटिफाई किए थे इन परिवारों को 1,000 रुपये महीना दिया जाए ऑन ट्रायल बेसिस, तो उसके रिजल्ट देख लो, सर्वे करो बाद में देखे देखो, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करो, 10 करोड़ परिवारों को 1,000 रुपये महीना भी देख के देख लो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उसी हिसाब से हम कहते हैं, हम कभी ये नहीं कहते सरकार काम नहीं करती, सरकार की नीयत साफ होती है, अभी एमएसपी की चर्चा में कर रहा था, सरकार की पॉलिसी है टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट जो हमारे सरप्लस है एक्सपोर्ट हो, उससे हमारा रेवेन्यू सेविंग है, वी आर एक्सपोर्ट इंक्रीज ही नहीं हो रहा था और इंपोर्ट उसी पे आ रहा हूं मैं, अभी यूक्रेन के क्राइसिस के दौरान खेती की जरूरत जो है एक्सपोर्ट की जरूरत थी, लोगों को डिमांड थी ना अनाज की, इंडिया से मंगाना चाहते थे, हमारा एक्सपोर्ट बंद हो गया। अब इसके रिलेटेड मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आपसे, एमएसपी का हम क्यों समर्थन करते हैं, अग्रवाल जी ने कहा हम क्यों समर्थन करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के क्लैरिफाई कर दूंगा, किसी राजनेता की बात नहीं करूंगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एसएपी होती है गन्ने की, एक होती है एफआरपी, केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है एफआरपी फेयर एंड रिमुनरेटेड प्राइस, उसके ऊपर क्योंकि खेती एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो उसके ऊपर एक सवाल आता है भाई अगर स्टेट सब्जेक्ट है स्टेट को अधिकार होना चाहिए चेंज करने का, अगर स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर तो प्रदेश सरकारें भी वही रेट देती थी गन्ने का जो सेंट्रल सरकार देती थी, एक जगह एक स्टेट ने स्टेट सब्जेक्ट समझ के एसएपी बढ़ा कर दी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस बोलते हैं वो बढ़ा के दे दी, उससे क्या हुआ बाकी प्रदेशों को भी बहुत बात सुननी पड़ी, करना पड़ेगा, देन अल्टीमेटली प्रदेश सरकारों ने विरोध किया, चीनी मिलों ने विरोध किया, मैमला सुप्रीम कोर्ट तक गया, 6 करोड़ गन्ना किसानों को पिछले 20 साल से 20,000 रुपए से लेके 2,00,000 रुपए साल का फायदा हो रहा है एसएपी के कारण, और वो जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया तब एक किसान नेता आपने सुना होगा बीएम सिंह जी,
उन्होंने गन्ने की लड़ाई, उनको गन्ना किसान ही बोलते हैं, गन्ना किसान की लड़ाई लड़ी, 5 करोड़ गन्ना किसानों के पास पैसा एक्स्ट्रा आया। मैं आज आपके साथ आप पत्रकारों के लिए एक स्टोरी छोड़ रहा हूँ, आप ध्यान करना है, सर्वे कर लो, जहां जहां गन्ने की खेती हुई है पिछले 20 साल से 25 साल से, उस एरिया में एक भी जहां का रहने वाला वहां एक भी मकान कच्चा नहीं है। और 2010 से आप करो स्टोरी बनाओ, सर्वे करो, जहां गन्ने की खेती हुई है सिर्फ एक इशू से SAP लेके दी सुप्रीम कोर्ट में, और उनके खिलाफ कौन लोग, ही इज नॉट लॉ ग्रेजुएट, उनके खिलाफ कौन लोग आए सरकार की तरफ से, तब पहले अरुण जेटली जी आए थे, फिर हरीश सालवे जी आए थे, शांति भूषण जी आए थे, वेणु गोपाल जी आए थे, एंड ही इज नॉट ए लॉ ग्रेजुएट। उस आदमी ने SAP की लड़ाई लड़ी क्योंकि बिकॉज एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो उसका फायदा क्या हुआ, 6 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा हुआ। उसके बाद उनके साथ जो मजदूर काम करता था 3 करोड़, उसकी दिहाड़ी भी ज्यादा मिली, उसको दिहाड़ियां भी ज्यादा मिली, मैं आपकी देसी भाषा में समझा रहा हूँ, दिहाड़ियां भी बढ़ गई, गन्ने की खेती बढ़ी, दिहाड़ियां बढ़ गई, और दिहाड़ी भी बढ़ गई पर डे जो उसका इनकम था, उसके कारण उसके मकान भी कच्चा नहीं। और एक नई चीज आपको सर्वे के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं करने के बाद आपसे शेयर कर रहा हूँ, उस इलाके का एक भी दुकानदार, दुकान नहीं बंद हुई, दुकानें बढ़ी है, किसने 1 से 2 कर ली, किसने 2 से 3 कर ली, अब बताइए, 5 करोड़ दुकानदार है गांव में, छोटा व्यवसायी है छोटे कस्बे में, उसकी इनकम कैसे क्यों बढ़ी, क्योंकि किसान के पास पैसा आया। अब कुल मिला के 15 करोड़ लोगों को, परिवारों को, एक इंसान ने अपने बूते पर लड़ाई लड़के 15 करोड़ परिवारों को 20,000 से लेके 2 लाख का फायदा करवाया साल का, और कोई मकान कच्चा नहीं, और 50% किसानों के पास पुरानी गाड़ी से लेके नई गाड़ी है, अच्छे मोटरसाइकिल से लेके बुलेट मोटरसाइकिल है, और जो मजदूर है उसके छोटी सी स्कूटी से लेके उसके पास ही मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, जो दुकानदार है उसने 1 से 2 दुकानें कर ली, उसके पास भी अच्छी कार है, सिर्फ एक फैक्ट्री SAP ऑफ शुगर की, अगर एक सब्जेक्ट से इतने परिवारों का फायदा हो सकता है, GDP इतनी बढ़ सकती है, क्या MSP की सपोर्ट होनी चाहिए, MSP के साथ को पैसा आएगा, अगर हम समाधान दे रहे हैं, मैं उसके साथ MSP के साथ एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ, प्लीज मिल सकती है, नॉर्वे के किसान को सब्सिडी मिल सकती है, हॉलैंड के किसान को सब्सिडी मिल सकती है, ऑस्ट्रेलिया के किसान को सब्सिडी मिल सकती है, हम तो सब्सिडी मांगे ही नहीं, हम कहते हैं हमें MSP दे दो, दे रहे एडवेंचर, उनको डिविडेंड दे रही है वो कंपनी, वो बैंक कंपनियां भी लॉस दिखा रही, वो पैसा किसका है बताइए, जो आदमी क्लेम करने नहीं है वो भारत के नागरिक थे, वो पैसा किसके लिए खर्च करना चाहिए, तो उसके जो वारस हैं या उसके लीगल हेयर हैं, आइदर दे आर क्लेमेंट्स, और किसको जाता है आप बताइए, किसको जाता है पैसा, कहीं भी हो, इट इज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, तो क्यों ना गवर्नमेंट के पास जाए, तो हमारे लिए फंडिंग हो सकती है, करना चाहिए। देखो क्या इस बिजनेस का, इस जो हमने आज प्रपोजल दिए, किसी का मन में विरोध है, अगर विरोध नहीं है तो मेरा ख्याल है इसको फॉरवर्ड करना चाहिए, करना चाहिए, क्या इसके लिए सपोर्ट आनी चाहिए, काम ऑन दिस प्लेटफॉर्म हमारा, आप सबने इतना पेशेंस, आपने अच्छे अच्छे सवाल किया, मैं तो अभी जाता हूँ, हमारे पास टाइम है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो पूछा करेंगे, और हम ये चाहते हैं जो व्यवस्था परिवर्तन हम बजट के माध्यम से करवाना चाहते हैं, वित्त मंत्री जी जो बजट पेश करते हैं उनके सूट के जो वो लेकर, जो सरकार है केवल सप्लाई साइड पे लगी हुई है, जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड तभी बढ़ेगी जब आपके हाथ में, जब जनता के हाथ में पैसा होगा, तो पता नहीं किस तरह, क्योंकि इस को लगातार पिछले 7 सालों से नज़रअंदाज हुआ है, डिमांड वाली चीज है कि जैसे जनता के हाथ में पैसा है, हालांकि सरकार जो है बहुत बड़े बड़े काम करना चाहती थी, रोड बनाना चाहती थी, सड़कें बनाना चाहती थी, पोर्ट बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी वजह से हालत ये हो गई कि जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसके अलावा मिडिल क्लास है, उन सब के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम हो गई और महंगाई बढ़ गई बहुत ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि इन बिंदुओं पर फाइनेंस वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री का ध्यान जाए,
कि जब तक, क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इंडिया के यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, और पूरे 4 प्रधानमंत्री 4 राष्ट्रपति मेरे को यहाँ भी सम्मानित कर चुके हैं, लंदन में भी कर चुके हैं, अमेरिका में भी कर चुके हैं, 100 से ज़्यादा मेरी किताबें हैं और 9,000 घंटे के यूट्यूब पर लेक्चर्स हैं, तो दूसरे देशों ने मेरी बातें मानी, तो मुझे लगा कि इस देश के अंदर भी हमारे गिरधारी लाल की जी की बातें ज़्यादा शायद माने, तो इनने बहुत मेहनत की है। मैं देख रहा हूँ पिछले 2 सालों से पूरी पूरी रात ये मेरे से बात करते हैं, एक एक विषय पे, जो कि हिंदुस्तानी इकोनॉमिस्ट भी बात नहीं करते, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने, तो इसमें बिल्कुल जनता का गांव गांव तक रूरल बिजनेस हब के माध्यम से हम 5.5 लाख गाँव तक जुड़े हुए हैं, पूरे 11,000 जो 11 करोड़ किसान हैं उसमें से 6 करोड़ किसान गन्ना किसान हैं, एक एक से जुड़े हुए हैं। MSP के मुद्दे पर भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम प्रेस वो कर चुके हैं, अभी हम जन चाहते हैं कि जो सबसे ऑथेंटिकेट डेटा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, करीब 40 करोड़ पैन कार्ड, 40 करोड़ 28 करोड़ घर है इस देश में, 28 करोड़ फैमिलीज हैं और 46 करोड़ पैन कार्ड है, 28 करोड़ टोटल परिवार हैं इस देश में, 40 करोड़ पैन कार्ड है और 7 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, और उनमें से केवल 75% जो लोग हैं या 74% लोग हैं उनका टैक्स का कलेक्शन केवल 24% है, तो यदि हम 12 लाख करते थे तो केवल उन 74% को रिलीफ मिलेगी और उसकी वजह से टैक्स बढ़ जाएगा, ये हमारा पुराना भी कलेक्शन बढ़ जाएगा, GST के रेट भी कम करने से, ये हमारा पुराना एक्सपीरियंस है।